अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने दोबारा विजिट किया है सपना जरी बुटीक को। हमारे साथ पूछते हैं वहाब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाब भाई, पहले भी आपकी वीडियो कवर की थी, उसमें आपने मिस के पार्टी वेयर आउटफिट्स डिस्प्ले किए थे, तो इस वीडियो में कौन से आप कलेक्शन डिस्प्ले करेंगे? इसमें मैं आपको शॉर्ट फ्रॉक में दिखाऊंगा, ठीक है? बड़ी डिफरेंट कलेक्शन है, सही हो गया। स्ट्रेट शर्ट्स में, उसके साथ फिर क्लाइंट पे डिपेंड करता है, शरारा और गरारा वो पॉसिबल होता है, ठीक है? आपको दिखाता हूं। तो इसमें आप पहले प्राइस रेंज बता दें कि कहाँ से मीन्स आपकी प्राइस स्टार्ट हो रही हैं। 15 से स्टार्ट होती हैं, फिर वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है वो किस तरह के ड्रेसेस चूज करते हैं ना। सही हो गया। तो प्राइस डेफिनेटली वो क्लाइंट पे डिपेंड करती है, वो क्या काम की सेटिंग ले रहे हैं, किस तरह का ड्रेस है। अगर वो हैवी होगा तो डेफिनेटली उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, अगर हम लाइट काम देखते हैं तो वो फिर कम बजट में आ जाता है, ठीक है? मीन्स के वो सारा काम पे डिपेंड करेगा और उसी की प्राइस रहेगी। अगर सपोज जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपकी कवर की थी, उसमें काफ़ी डिमांड थी कि आपने प्राइसेस कवर नहीं की थी, तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो ये होता है, मैंने अर्ज़ किया ना कि डिपेंड करता है क्लाइंट की चॉइस पे, ठीक है? ठीक है, कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं, अब जैसे 15 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो होता ये है कि कुछ ड्रेसेस है उसमें 35 की रेंज में, 40 की रेंज में, 25 की रेंज में, तो क्लाइंट को फिर ये प्रॉब्लम, ये कन्फ्यूजन रह जाती है कि आपने 15 कहा था, वो ड्रेस चूज कर रहे होते हैं 35 या 40 वाला। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया था लास्ट टाइम भी कि प्राइजेज क्लाइंट भी अच्छे से समझते हैं कि किस तरह का काम है और इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर जितना भी आप मुनासिब कर सकते हैं इसे काम का बचे वो हो सकता है। मैं ये अर्ज़ करता चलूँगा इसमें कि मैंने बड़ा माइनर सा, क्योंकि ये ऑनलाइन देखें इतने दूर बैठ के, अगर बाहर के क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करते हैं तो मैं ये चाहूँगा कि मैं प्राइजेस बिल्कुल रिजनेबल माइनर सा मार्जिन रख के प्राइस दूँ ना। ठीक हो गया। तो आप किस आउटफिट से स्टार्ट करेंगे? मैं शॉर्ट फ्रॉक से स्टार्ट करता हूँ। ये ड्रेस देखें तो ये इन्होंने फ्रॉक डिज़ाइन किया हुआ वाला, और ये अभी सनी स्टिच है इसकी, फिर वो लाइनिंग वगैरह कंप्लीट इसका वो आ जाता है, ठीक है? और ये आपने नेट फैब्रिक पे डिज़ाइन किया है? नेट फैब्रिक पे। इसका वर्क देखें आप, थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग अगर आप एक्सप्लेन कर दें जी। इसमें थ्रेड वर्क है, पर्ल्स वर्क है और कोरे का वर्क सिला हुआ है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं स्टोन्स की क्वालिटी ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ये स्टोन्स की क्वालिटी है, ये लोग जो समझते हैं उन्हें आइडिया है कि ये किस क्वालिटी के स्टोन्स होते हैं, ठीक है? ये मीन्स के सोरास्किस, ठीक है? तो इसकी बैक भी एम्ब्रॉयडर है, वो प्लेन होगी जी? बैक पे इसके जस्ट बॉर्डर आता है, फिर क्लाइंट की चॉइस पे डिपेंड करता है वो इसे जितना चाहें हैवी करें, ठीक है? तो इसके बाकी डिटेलिंग क्या आती है? दुपट्टा इसके साथ शरारा आता है, दुपट्टा आता है, सही हो गया? कम्प्लीट ड्रेस, मतलब कि इसको आप निकाह के लिए भी अरेंज कर सकते हैं, एंगेजमेंट के लिए भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? फिर मैं ये ड्रेस आपको दिखाना चाहूँगा, ये भी इसी कट स्टाइल में है लेकिन काम डिफरेंट हुआ है, ठीक है? बिकॉज आपका जो वर्क है वो काफ़ी मीन्स के अच्छा है, डिफरेंट है जी। पहले भी जो आपकी वीडियो कवर की थी उसमें जो काम की क्वालिटी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्वालिटी पर मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं कम्प्रोमाइज़ करूँ, ठीक है? उस पर आप ये डिटेलिंग देख सकते हैं, काफ़ी मीन्स के डिटेल के साथ ये फ्रॉक डिज़ाइन किया हुआ वाला। तो इसकी बैक भी मीन्स की लाइट बॉर्डर के साथ होगी? नहीं, इसकी बैक सिंपल आती है लेकिन अगर क्लाइंट चाहेंगे तो बॉर्डर बन सकता है, ठीक है? वो मीन्स के डिमांड पे होगा जी। तो हम ये थर्ड कवर कर रहे हैं ये वाला, और ये भी फ्रॉक डिज़ाइन किया आपने जी। तो इसका कौन सा फैब्रिक है ये वाला? ये नेट फैब्रिक पे है, और ये काम थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें इसमें बिल्कुल डिफरेंट। ये जो नॉट सिलिंग है ना थ्रेड की, और कोरा और थ्रेड बिल्कुल डिफरेंट वर्क हुआ है इसमें, फ्रेंच नॉट्स का काम है, ठीक है? तो काफ़ी मीन्स की अच्छी लुक के साथ ये आउटफिट है वाला, तो इसको मीन्स की किसी भी ओकेजन के लिए आप तैयार करके बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कंट्रास्ट रेडिश मैरून कलर में आ जाता है, शरारा या गरारा, ठीक है? वो क्लाइंट की चॉइस पे है। बाजू पे बड़ा अच्छा स्टाइलिश काम सेट होता है। तो इसकी भी बैक प्लेन होगी जी? इसकी भी बैक प्लेन है, छोटा सा बॉर्डर आता है लेकिन अगर क्लाइंट चाहें तो मजीद हैवी हो सकता है, ठीक है? मतलब कि काम कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकता है, फिर उस हिसाब से फिर प्राइस एडजस्टेबल होगी। तो ये हम नेक्स्ट कवर कर रहे हैं वाला, तो इसके आप ये लुक देख सकते हैं, काफ़ी मीन्स के अच्छी लुक में डिज़ाइन किया हुआ वाला। तो इसका भी फैब्रिक है सेम नेट फैब्रिक है वाला जी, और इसमें जो काम है ये डिफरेंट मीन्स के कलर्स के साथ आपने यूज़ किया हुआ वाला जी। तो आप इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं, और इसकी बैकअप ये लाइट बॉर्डर होगा जी? इसकी बैक पे भी ये लाइट बॉर्डर है, ठीक
ठीक है, तो बाकी इस पे दुपट्टे पे भी बॉर्डर आते हैं, वो प्लेन होता है दुपट्टा? दुपट्टे पे स्टोन स्प्रे आ जाता है, अगर क्लाइंट चाहेंगे तो बॉर्डर पॉसिबल होता है। वैसे दुपट्टे पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं, सिंपल ही बनते हैं। ठीक है, ये आगे जी फ्रॉक में, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा स्ट्रेट शर्ट्स में। ठीक हो गया जी, स्ट्रेट शर्ट्स में मैं आपको बिल्कुल कुछ डिफरेंट ड्रेसेस हैं वो कवर करें आप इसमें। ये बिल्कुल न्यू बनकर आए हुए हैं, ये अभी स्टिच भी नहीं हुए, तो आप ये इसके पहले लुक देख लें। काफ़ी में इसके अच्छी एम्ब्रॉयडरी के साथ ये शर्ट डिज़ाइन की हुई है वाली, तो ये आपने किस फैब्रिक पे डिज़ाइन की हुई है? ये ऑर्गेन्जा पे। ठीक है, ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, और ये मिक्स काम के साथ में इसके 3D वर्क भी इसमें यूज़ किया हुआ जी। 3D वर्क है इसमें, सीक्वेंस वर्क है, नॉट्स वर्क हैं, पल्स सिले हुए इसमें, और पल्स की ओरिजिनल क्वालिटी है ये। ठीक है, तो काफ़ी में इसके अच्छे लुक में ये डिज़ाइन है ये वाला। तो इसकी बैक किस तरह की होगी? इसकी बैक पे लाइट सा बॉर्डर एंड चट्टा। ठीक है जी, तो बाकी सर दुपट्टे की भी ठीक जी, दुपट्टे पे भी स्टोन्स का स्प्रे आएगा। ठीक हो गया, ये मैं आपको वो शो कर रहा हूँ जो बिल्कुल न्यू बनकर आए हुए हैं। सही हो गया, तो हम ये नेक्स्ट कवर करेंगे वाला। ये ड्रेस देखिए, तो ये भी सेम आपने ऑर्गेन्जा पे डिज़ाइन किया जी, ये भी ऑर्गेन्जा पे है, और इसमें नॉट्स वर्क काफ़ी डिफरेंट। तो आप इस ये फ्रंट की लुक देख रहे हैं शर्ट की, इनका काम भी आप ये देख सकते हैं, 3D भी मीन्स की इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है वाली। ठीक है, इसकी बैक पे भी सेम लाइट सा बॉर्डर जी होगा। ठीक है, तो इसका मोस्टली ट्राउजर हाथ है या फिर कैप्रीज भी चल रहे हैं, शरारास भी, वो क्लाइंट की चॉइस पे है। ठीक है, ज़्यादा डिमांड में क्या चीज़? डिमांड में ज़्यादा इसके साथ कैप्री चल रहा है, कैप्री इस ड्रेस के साथ कैप्री चल रहा है, इस ये जो अभी मैं शो करने लगा हूँ इसके साथ शरारा चल रहा है। सही हो गया, तो ये भी काफ़ी मीन्स की अच्छी इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई वाली, ये नेट फैब्रिक पे है। ठीक है, और इस पे काम किस तरह का किया हुआ है? इस पे नॉट्स हैं, दबका है, बीट्स हैं, और स्टोन्स की क्वालिटी मैंने पहले भी बताया कि तुरास की स्टोन्स हैं। ठीक है, ये फ्रंट की लुक होगी, बाकी सेम बैक पे भी लाइट सी डिटेलिंग आएगी जी। ये आ गया, ये एक ड्रेस देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस है ये, और बिल्कुल न्यू वर्क है इसमें। सही हो गया, इसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ इसका स्टाइल क्या आएगा। पहले आप इसकी शर्ट का स्टाइल देखें। ठीक है, और ये भी सेम ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वाला? जी, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। सॉरी, तो इसमें आपने मीन्स के सेम कलर में इस पर एम्बेलिशमेंट की जी, और ये इसकी स्लीव्स का स्टाइल बहुत प्यारा आता है, ये मैं ज़रूर शो करना चाहूँगा। ये इसकी स्लीव्स का स्टाइल आएगा, ये शोल्डर्स पे आ जाएगा काम, और ये एंड पे बाजू पे। ठीक है सर, सारे आउटफिट में जो स्लीव्स हैं वो हैवी होते हैं या फिर लाइट? कुछ में हैवी होते हैं, कुछ बिल्कुल लाइट होते हैं, वो क्लाइंट की चॉइस और डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी बैक क्या डिटेलिंग होगी? बैक पे लाइट बॉर्डर एंड चट्टा। ठीक है, अच्छा ये सारे पीसेस हैं, ये ऑर्डर के पीसेस हैं, आप रेडी टू वेयर? नहीं, ये ऑर्डर पे बन सकते हैं। ठीक है, वैसे ये मेरे अपने सैंपल्स बनने में। ठीक है, तो आप मीन्स कितना टाइम लेते हैं ऑर्डर पे? ये डिपेंड करता है जी, अभी तो सीज़न के डेज़ हैं। ठीक है, बाय सीज़न के डेज़ हैं, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑर्डर है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह के ड्रेसेस हैं, 25 डेज। ठीक है, 25 से 30 डेज। ठीक हो गया जी, तो गाइज इनके जो आप प्राइसेस बताते हैं वो 15,000 रुपीज़ से आउटफिट की प्राइसेस स्टार्ट होती हैं, और मैक्सिमम जितना भी आप काम पे सारा डिपेंड करता है वो जी, जी। ये भी एक बिल्कुल न्यू बनकर आया हुआ है, गोटा वर्क भी हेड है इसमें। ठीक है, ये मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सिलेक्टिव चीज़ में। तो ये भी मीन्स के फ्रॉक स्टाइल में डिज़ाइन किया गया वाला जी, इसका भी सेम नेट फैब्रिक है, और ये इस पर काम किस तरह किया हुआ है? ये 3D में ये फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें 3D में, और ये गोटा वर्क ऐड किया है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये 3 से 4 कलर्स पे बन रहा है मेरे पास। काफ़ी में इसकी अच्छी लुक आ रही है, और इसकी ये नेकलाइन भी आप देख सकते हैं सारी, ये
तो इसकी बैक ही भी लाइट सी डिटेलिंग होगी जी। इसकी असल ब्यूटी आती है स्टिचिंग के बाद, जब इसके साथ शरारा और कंप्लीट ये रेडी होता है। सही हो गया, बहुत डिसेंट और एलिगेंट चीज़ बन जाती है ये ड्रेस। ठीक है, इसके अलावा आपको दिखाना चाहूँगा। अच्छा, इसमें ये कलर्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर सपोज कोई डिमांड जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लाइंट की चॉइस पे है। मैं इसे थ्री से फोर कलर्स पे बना रहा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आज के वैसे मोस्टली कलर्स कौन से इन हैं? कलर्स देखें, मैं तो यही क्लाइंट को एडवाइस दूंगा कि आप अपने कम्प्लेक्शन के मुताबिक कलर किया करें। ठीक है, क्योंकि हर बंदे पे हर कलर, हर लेडी पे हर कलर सूट नहीं करता। वैसे चलने में तो अभी लाइट कलर्स ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है, मोस्टली पेस्टल कलर ज़्यादा ही। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पे आप ये देख सकते हैं, काफ़ी मीन्स के इस पर अच्छा काम किया है वाला। और ये भी सेम नेट फैब्रिक पे डिज़ाइन किया है आपने जी, और इस पर भी सारा मिक्स काम है। डिफरेंट मीन्स के कलर्स के स्टोन्स आपने यूज़ किए हैं इस पर? डिफरेंट कलर्स के स्टोन्स और बिल्कुल डिफरेंट किस्म के सीक्वेंस यूज़ हुए हैं। ठीक है, वो मीन्स के देखने से काम की क्वालिटी पता चल रही है। ये आप शिमर भी देख सकते हैं इसमें, जो काफ़ी मीन्स की अच्छी डिटेलिंग आ रही है इसकी। फ्रॉक का फ्रंट है वाला, तो बैक पे भी सेम लाइट सा बॉर्डर होगा जी। अगर क्लाइंट चाहें तो हैवी भी हम कर सकते हैं इसे। ये मैं बना रहा हूँ सेकेंड डे पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग मैक्सी बन रही है इसमें। ठीक है, अच्छा इसको आप वलीमे के लिए भी बना रहे हैं? जी जी, ये वलीमे के लिए भी बन रहा है। ठीक हो गया, इससे पहले जो आपको दिखाया वो भी वलीमा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लोग लाइक कर रहे हैं उसे। उस पर मीन्स के फिर डिटेलिंग दुपट्टे पे भी थोड़ा सा हैवी बॉर्डर, दुपट्टे पे भी बॉर्डर आ जाएगा और इसी तरह से उसको सेट किया जा सकता है फोर साइड्स पे दुपट्टे। ठीक है, तो इसके बाद आप लास्ट कौन सा डिस्प्ले करेंगे? जी ये मैं अंगरखा स्टाइल, क्लाइंट की बहुत ज़्यादा चॉइस है जी कि अंगरखा में आप कुछ डिफरेंट लेकर आएँ, तो ये मैंने एक अंगरखा स्टाइल में बनाया है। मैं सॉरी आपका थोड़ा सा इसमें इसकी सेटिंग में आपको बताऊंगा कैसे होनी है। ठीक हो गया, ये अंगरखा का एक पैनल आएगा, आप इसका काम देख सकते हैं, और ये इसका दूसरा पैनल आएगा। इसकी असल ब्यूटी बनती है स्टिचिंग के बाद। बिल्कुल, अभी तो ये अनस्टिच है जी, पर जो स्टिच की आउटफिट की लुक आती है वाकई डिफरेंट होती है। बोली ये देखिएगा, ये अंगरखा स्टाइल में आएगा। अंगरखा का ये एक साइड बड़ा पैनल आ गया और एक छोटा पैनल, ये साइड डिफरेंट काम है, ये साइड डिफरेंट काम है। फिर ये लुक मैच करने के लिए यहाँ इसको ऐड किया हमने। इसका आप वर्क देखें ना, तो बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस बना हुआ है ये। ठीक है, ये आप ही ओवरऑल इसकी लुक देख सकते हैं। तो इसकी बैक पे क्या डिटेलिंग होगी? इसकी बैक पे भी बॉर्डर आता है, क्योंकि अंगरखा बैक साइड प्लेन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अच्छा इन सब आउटफिट में जो दुपट्टे हैं वो सेम कलर में होंगे या फिर कंट्रास्ट में भी हैं कुछ में? ठीक है, सेम में भी हैं, फिर क्लाइंट की चॉइस आ गई, क्लाइंट की चॉइस पे। और प्राइसेस आप जो बता रहे थे एक बार काइंडली दोबारा रिपीट कर जी। मैं यही अर्ज करूँगा कि ये देखिए मुख्तलिफ ड्रेसेस होते हैं, इसमें काम के लिहाज से प्राइस होती है। ठीक है, तो ये 15 से लाइट वाले ड्रेसेस जो होते हैं वो 15 से स्टार्ट होते हैं। अब हर तरह का मैंने आपको ड्रेस दिखाया है मुख्तलिफ प्राइजेस के, कुछ इसमें 25 प्लस में है, कुछ 35 में है, ठीक है, इस तरह के बजट में है, कुछ इससे प्लस के हैं। तो वो फिर क्लाइंट की चॉइस पे डिपेंड करता है, वो क्या सेटिंग करा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो गाइस इनके जो शॉप का डिटेल एड्रेस है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इंशाल्लाह वीडियो के स्टार्ट में एंड डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा। आई होप कि आपको आज वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना काइंडली फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इतना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज़।